आज यार स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन किसका, क्लास 12 का रेशन एंड फंक्शन। डेढ़ साल बाद सेकंड पार्ट आ रहा है, डेढ़ साल बाद, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बना के भूल गया, इतना ज्यादा वो हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो पार्ट वन में जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चार पांच पार्ट हैं वो मैंने करा दिए, तब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पार्ट टू में। कह रहे सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस, ये हमको बताना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि ना कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। एक चीज देखो, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये होता, मान लो दूसरा कोई रिलेशन होता और कहता प्रूव करो कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो 4 नंबर में हो जाएगा। इसके पीछे लोचा क्या है आप कहेंगे कि सर जबकि एक ही बात है। तो देखो, जब कभी आपसे बोला जाए कि ये चीज गलत है, जैसे सपोज मैंने आपसे कहा a प्लस बी होल स्क्वायर और आपको ये प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला रॉन्ग है, ठीक है, मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, एक कंडीशन ऐसी दिखा दो, केवल एक कोई, कि जब LHS और RHS बराबर नहीं हो, एक कंडीशन केवल, तो हम बोल देंगे कि ये फॉर्मूला गलत है हमारा। बात समझ आ रही है? सपोज आप अगर आपने रखा a की जगह 0, b की जगह 1, तो कंडीशन ट्रू हो गई। देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो आप अब ये बोलोगे क्या कि ये फॉर्मूला ठीक है? नहीं। मैथ्स में अगर कोई भी फॉर्मूला बनता है तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। कैसा होता है वो? यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हर कंडीशन में अप्लाई होगा वो। तो अगर यहां ए की जगह 2 और बी की जगह 3 रखोगे और LHS और RHS कभी भी बराबर नहीं आएंगे, ठीक है, तो ऐसे ही कहा गया ये प्रूफ कर दो कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। एक केवल एग्जांपल दे देंगे, एक कंडीशन से हम दिखा देंगे जो कि गलत होगी, तो हम कह देंगे ये हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ आ रही? नहीं आ रही है? कोई डाउट है क्या इसमें? तो देखो, फिर मैं एक प्रॉपर वे बताऊंगा इसमें, क्योंकि बच्चों का माइंड सेट है कि ये जो चैप्टर है भैया इसमें थ्योरी है, दबा के इंटरेस्ट नहीं आता उनको, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट आएगा। और देखिए, तरीका लिखने का भी आपको आना चाहिए। हमारे पास रिलेशन दिया गया, तो हमें ये प्रूफ कर दो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये जो कह रहे हैं ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर में, पक्की बात है, क्लियर है। तो आर एक सेट होगा और इसके अंदर रियल नंबर होंगे, मान लो 1, 2, 3, 0.1, 0.2, -, क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ के दुनिया में जितने भी नंबर है सारे क्या है? रियल नंबर। आपको समझा रहा हूं, अभी बोर्ड में लिख के नहीं, लिख के आएंगे कैसे उसका तरीका भी होता है, समझा रहा हूं। ये एक आर है, अच्छा एक चीज और, ये आर और इन आर में अंतर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को। अब दिमाग में क्वेश्चन, सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सुनो, अगर कहीं पे ये लिखा है तो समझ जाना ये रियल नंबर है और ये आर इंडिकेट कर रहा है रिलेशन को। क्यों? क्योंकि रिलेशन में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, पैरेंथेसिस, इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अगर ये लगा हुआ है तो ये आर क्या होगा? रिलेशन होगा। अगर ये नहीं है तो ये आर क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब सुनो, अब ये है, अब एक बात सुनो, अब हमको ये दिखाना है कि ये मान लो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन क्या दिया गया? ये दिया गया है। ऐसे इनमें से कोई सा भी एट रैंडम एक नंबर में उठा के आपको दिखाता हूं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होता क्या है? 1, 2, 2, यही तो होते हैं रिफ्लेक्सिव हमारे। ऐसे मान लो ये भी कहीं होगा 0.3, 0.3, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। रख के देखो, क्या कंडीशन ट्रू है? ना तो ये इसके बराबर है और ना ये बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब आप कहेंगे सर आपने 0.3 क्यों लिया? भैया 0.3 क्या रियल नंबर नहीं है और ये इसके अंदर होगा, तो हम कैसे भी नंबर ले सकते हैं? केवल एक कंडीशन हम दिखा देंगे कि ये हमारा ऐसे दिखा देंगे, हम कहेंगे ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब लेकिन लिखने का तरीका, ये तो मैंने आपको ऐसे एट रैंडम समझा दिया, अब लिख के क्या चाहेंगे? ये तरीका याद रखो, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही लगेगा ये। चलिए देखिए, जल्दी जाओ कर जाओ। अब लिखने का तरीका देखो यार, प्लीज बात नहीं करेंगे, यही तरीका लेकर आप चलेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या होता है रिफ्लेक्सिव? वो ये कहते हैं, अगर इफ ए बिलोंग्स टू कर रहा है आर में, अगर ये है मतलब ए कोई भी एक एलिमेंट है सेट आर में है, अगर आपको ये मिल जाए, ये मिल जाए उस रिलेशन में, तो पक्की बात है हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। यस और नो? इस ये तरीका बताऊंगा लिखने का, बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही लिख कर आना है, बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन समझोगे, क्योंकि इंट्रो पार्ट देखो पहले,
अगर ए कोई भी एक एलिमेंट है किसी सेट में, तो वो उससे बना रिलेशन कब होगा रिफ्लेक्सिव, जब ए कॉमा ए भी उसमें होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एक सेट है 1 2 3 और इससे मैंने एक रिलेशन बना दिया है, मान लो ये कुछ भी एलिमेंट लेके, तो बताना क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है? बिल्कुल है। कैसे पता? अगर ये एलिमेंट है तो इसके डबलेट्स भी होने चाहिए, यही तो होता है। अगर ए कोई भी एलिमेंट है रियल नंबर सेट में, तो उस इससे जो भी रिलेशन बनेगा उसमें ए कॉमा ए भी है, तो हमारा क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब सुनो यार, अब चेक करेंगे ना, ये हमारे पास रिलेशन दिया गया ये, अब ध्यान से सुनेंगे, 12th क्लास में ए कॉमा बी है तो रिलेशन ये है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं यहां पे मैं कहूंगा लेट ए एंड बी आर नंबर्स बिलोंग्स टू, चलो ए बी आर नंबर लिख भी दो कोई दिक्कत नहीं है, बिलोंग्स टू सेट आर इन सच दैट, ये लाइन बस आप समझ लें, अगर अच्छे नंबर चाहते एक भी मार्क्स नहीं चाहते घटे इस तरीके से, इन सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखो कैसे, अगर ए कॉमा बी है तो रिलेशन भाई ये है, ऐसे ही अगर ए कॉमा ए होगा तो बताना क्या रिलेशन ये नहीं हो जाएगा? यस और नो, समझो ना, बी किससे रिप्लेस हो गया ए से, लेकिन क्या ये चीज हमेशा ट्रू है? तो यहां पे लिखेंगे नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब ये जो चीज है क्या ये हमेशा ट्रू है? अब एक एग्जांपल लेकर दिखा दो कैसे, लेट ए ले लो 1/2 ले लो, चलो अब रखो यहां पे 1/2 और 1/2, क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? तो हम लिखेंगे इज नॉट रिफ्लेक्सिव, चमका, यस और नो, ये तरीके हैं भैया लिखने के, मैं एकदम प्रॉपर वे में बता रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे लिख कर आएंगे आप, यस और नो, क्लियर है? चलिए अच्छा, अब ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा किसका, सिमेट्रिक का, तो यहां पे लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है वो ये कहते हैं, इफ ए कॉमा बी किसी रिलेशन आर में है पहले से, तो भैया वो सिमेट्रिक तब होगा जब बी कॉमा ए उसमें मिल जाएगा, यस और नो, यस और नो, पक्की बात है। अब चलिए ये लाइन दोबारा लिख के आएंगे, ये लाइन आप दोबारा लिख के आएंगे, बस यहां पे ए कॉमा ए की जगह क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा, क्लियर है? क्यों मैं बार बार लिखूंगा, चलो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं तो प्रॉपर वे में बता देता हूं, ये इसका हो गया था। अच्छा जी, अब ऐसे ही हम इसमें कैसे लिखेंगे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, ठीक है, इस तरीके हमने पहले से ही लेट कर लिया कि ए कॉमा बी उस रिलेशन में है, ये वाला आर रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, डियर ये रिलेशन क्यों, यहां पे ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ए कॉमा बी है तो इसका मतलब गिवन क्या है हमको भैया रिलेशन में हमको गिवन है दिस, यस और नो, यस और नो, हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, बी कॉमा ए, हम यही तो चेक करना चाह रहे हैं, अगर बी कॉमा हुआ, अगर बी कॉमा ए रिलेशन में है तो देखो ए किससे रिप्लेस हुआ, बी किससे रिप्लेस हुआ, तो क्या ये ऐसे ही तो हो जाएगा, यस और नो, बी ए किससे रिप्लेस हो गया, बी से, बी किससे रिप्लेस हो गया ऐसे, अगर ये कंडीशन गिवन है पहले से हमको पता है, ऐसा होके अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या ये कभी ट्रू हो सकती है, अपने आप से क्वेश्चन करो कैसे, देखिए नॉट ट्रू कैसे, देखो मैं पहले लिख देता हूं नॉट ऑलवेज ट्रू, देखो कैसे, अब मैंने कहा एक कोई 1.4 एक ले लो 1.4 में ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, रखो भैया ए की जगह 1 और 4 का स्क्वायर 16, पक्की बात है, या अब चेक करो 4.1, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 4 और 1 का स्क्वायर, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ना बराबर है और ना 1 बड़ा है, बात समझ आ रही है, तो एक कंडीशन दिखा दी है, क्योंकि 1.4, 1.4, 1 और 4 रियल नंबर है यार, रियल नंबर है, तो एक कंडीशन मैंने दिखा दी ऐसी कि ए कॉमा बी तो है उसमें लेकिन बी कॉमा ए नहीं हो सकता, तो हर किसी के लिए हम बोल देंगे भैया ये पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, बात समझ आ रही है। ऐसे ही यार ट्रांजिटिव के लिए, ऐसे ही किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन पहले से ही गिवन होती हैं, तो फॉर, और बहुत अच्छे से अगर समझना है तो फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें यह बोला गया है कि प्रूफ करो कि वो तीनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो उसका और देखना चाहिए, इसमें तो नॉट वाला है तो हो सकता है थोड़ा हॉचपॉच लग रहा हो, जिसमें बोला जाएगा उसे और भी अच्छे से हम लोग करेंगे। इसमें क्या होता है,
इसमें ये कहते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स, दो कंडीशन गिवन होती ना, अब ए और सी का और चेक करेंगे। अच्छा देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ये हमारे पास गिवन है, यस और नो? अगर बी कॉमा सी गिवन है तो इसका मतलब हमारे पास ये गिवन है, यस और नो? बात समझ में आ रही है ना भैया? बिल्कुल। अब सुनो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और सी की पावर फोर। क्या आप बी स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू नहीं पुट कर सकते यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगर ए कॉमा सी होते, अगर ए कॉमा सी होते तो हमको ये रिलेशन मिलता ना सी स्क्वायर, यस और नो? हमको तो सी की पावर फोर मिल गया, नहीं हो सकता। या एक एग्जाम्पल, अगर ये समझ नहीं आया तो एक एग्जाम्पल लिखकर दिखा दो, क्या जिसमें ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हो, जैसे 2, -2 और -2, -1। देखो इन दोनों से ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी, देखो कैसे 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसमें करो -2 का स्क्वायर -2, -1 है ना, 2, -2, -2, 1। अच्छा अब देखें इसकी जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये बड़ा है, 1 का स्क्वायर 1 बड़ा है। तो अगर हमको चेक करना तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, लेकिन कैसे हो रही है भाई, कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, नहीं हो रही ना। तो एक कंडीशन लिख के आ जाओ, क्लियर है? तो एक कंडीशन ऐसी दिखा दो कि जिससे एक कंडीशन देखिए, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है फिर हर किसी के लिए। अच्छा अदरवाइज टीचर लोग एक चीज और बता देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है ना ए एक ये वाला, तो ट्रांजिटिव के लिए रट लो 2, -2, 1 इनसे दिखा दो, ऐसा कहते हैं वो, ठीक है? अगर ये कंडीशन है तो वो ये कहेंगे क्यूब है तो कहेंगे 3 ले लो, 1.5, 1.2, क्योंकि इनसे बाहर जाता नहीं है, एकदम दिखा दोगे, ठीक है? रटो क्यों, अपना कॉमन सेंस लगाओ ना, ऐसा नहीं कि यही नंबर। आप कितने सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तीसरी नहीं होगी, बस एक लॉजिक है, बीच वाला निगेटिव ही ले लेना तो आसानी से हो जाएगा। क्लियर है तिवारी? बात समझ आ रही है? जब ये बोला जाए नहीं है तो एक कंडीशन ऐसी दिखा दो बस, क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन करते हो और चीज़ें क्लियर होंगी, पहला ही क्वेश्चन था ना। और अब देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में अंतर क्या है? जो क्वेश्चन 2 था उसमें एक रियल नंबर का सेट था, अब रियल नंबर के सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसमें डिफाइन है कि ये भैया 5-6 एलिमेंट्स हैं, तब बताओ ये रिलेशन दिया गया, फिर बताओ वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, बहुत सिंपल, ये तो एक लाइन में आ जाएगा, मतलब इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जल्दी से रिलेशन बनाइए, ए कॉमा बी किस में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में, तो चलो ए की जगह 1 रखा तो बी कितना आएगा, 2, यस और नो? एक ज़्यादा है, फिर 2, 3, 4, 5, 5, अब तुरंत आप बोलोगे सर 6 रखो, लेकिन 6, 7 ये कह रहे हैं ए और बी दोनों ही इसके अंदर होने चाहिए, 7 तो है नहीं, 6 है, माना 6 है लेकिन 7 तो नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, आउट ऑफ सिलेबस है। अब ये रिलेशन निकल के आ गया, सुनो ध्यान से रहा, कह रहे अब बताओ ये एलिमेंट्स हैं इन, कहाँ माइनस है, ये प्लस है यार, ठीक है जी? अब ये कह रहे हैं ये रिलेशन निकल के आया इस एलिमेंट से, बताओ ये सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव, यार एक बात बताओ इसमें 1 है क्या, 1, 1 इसमें है, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए 1, 2 है क्या, देखो यहां पे लिखेंगे 1, 2 तो है बट 2, 1 है क्या इसमें, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखेंगे, देखो 1, 2 और 2 पे खत्म हुआ, इधर 2 से स्टार्ट हुआ तो 1, 3 होना चाहिए था, लेकिन 1, 3 भी नहीं है माय डियर, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3, 1 नहीं बोलेंगे, ये इस पे खत्म हो रहा है, ये इसकी रेंज है, ये इसका डोमेन, तो इसको देखेंगे ये 1, 3 ना कि 3, 1। अगर 3, 1 इसमें होता फिर भी ट्रांजिटिव नहीं होता, कि यार हमको चाहिए 1, 3। और बता दूं पैरेंथेसिस में ये चीजें अलग अलग मानी जाती हैं, बराबर नहीं मानी जाती हैं, लेकिन अगर कर्ली ब्रेसेस है तो फिर ये एक ही मानी जाएंगी, क्यों? कर्ली ब्रेसेस तो केवल सेट को रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग उसको तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों वाला क्वेश्चन था कि एक नंबर का था, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ बताऊंगा लिखने का एकदम प्रॉपर वे, ठीक है? हटाओ भैया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, कह रहे ये रिलेशन जो आर है वो इस तरीके से भैया डिफाइन है, और ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, फिर कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा प्रूव करना है आपको, तो चलिए
वही सबसे सिंपल तरीका फॉर रिफ्लेक्सिव। तो वो ही रटी हुई लाइन समझेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है, एक ही सीक्वेंस हम लोग करेंगे। क्या होता है इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ऐसा है तो ये रिलेशन तभी हमारा क्या होगा रिफ्लेक्स, जब ए कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो वो ही रटी हुई लाइन लेट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये उसमें है। अब एक बात सुनो जरा, ए कॉमा ए अगर होगा तो क्या हम यहां पर यह लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या हुआ, ए दिस, यही तो होगा। बी को ए से रिप्लेस करके ए कॉमा बी अगर ये है तो ए कॉमा ए यही तो होगा, और ये चीज तो ऑलवेज ट्रू है। ये चीज कोई भी नंबर अपने तो बराबर होगा ही, कोई सा भी नंबर अपने बराबर तो होगा। अगर आप समझते हैं ये तो आप कहेंगे सर वो छोटा कहां है, भैया इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो ट्रू होता है। क्लास सिक्स चैप्टर इलेवन में हमने पढ़ा था इन इक्वलिटीज, इलेवन में मैंने क्या कहा, चैप्टर सिक्स क्लास, ओके वेरी गुड। तो ये हमने सिमेट्रिक बोल दिया इसका मतलब, तो मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ट्रू होंगे, तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बात नहीं करो फोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए अच्छा अब देखते हैं, अब देखो सिमेट्रिक, हाँ मैथ्स की लैंग्वेज फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखो यार क्या होता है, वही भैया कि कह रहे हैं इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, रिलेशन आर में अगर ए कॉमा बी है, अगर आपको बी कॉमा ए भी मिल जाए तो हम कह देंगे भैया वो सिमेट्रिक। तो अगर आप ये चीज लिखकर आएंगे तो टीचर को लगे बच्चे को सिमेट्रिक का मीनिंग पता है क्या होता है। ये सबसे पहले इसी को जैसे ही टीचर की नजर इस पर गई तो हो सकता अंदर जाए ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है जी। चलिए अच्छा अब देखते हैं, वही रटी हुई लाइन लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इन सच दैट, इन सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये आर और उस आर में अंतर समझ रहे, बार बार बताऊंगा नहीं मैं। तो अगर ए कॉमा बी है, एक बात सुनो ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, दिस, यस और नो, और हम चेक करना चाह रहे हैं बी कॉमा ए पे। अब अपने आप से क्वेश्चन करो क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ये ऐसा हो सकता है, अगर ए छोटा है बी से तो वही नंबर बी से बड़ा कैसे हो जाएगा मेरे भाई, कंडीशन देखो। अब जब नहीं हो सकता, जब नहीं हो सकता तो एक उनको दिखा, हाँ हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो अब हम ये चीज उनको दिखाएंगे, ठीक है कैसे। अब देखिए अगर मैंने कहा कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो देखो ऐसे में एक एग्जांपल लेके हम लोग दिखा देते, टू कंडीशन ट्रू है, यस और नो, और टू और थ्री दोनों ही रियल नंबर हैं तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, बताओ जरा यार, नहीं है ना। जब ये ट्रू है तो ये कैसे ट्रू हो सकती है। अब आप कहेंगे कि सर आप ऐसे लो ना, ऐसे लो सर आप, ऐसे लो आप, तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई चीज गलत दिखानी है तो एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा दो, एक एग्जाम्पल। अगर आपने हजार एग्जाम्पल दिखाए कि वो ठीक है ठीक, और ये रियल लाइफ से भी सही है, आपने हजार अच्छे काम करे, एक काम गलत कर दिया तो बस हो गया काम आपका, ठीक है। सेम ये प्रैक्टिकल में आप ऐसे ही समझो, बात समझ में आ रही है ना भैया, क्लियर आ रही है, क्लियर है नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर यहां तो ये भी कंडीशन ट्रू है सर, देखो सही है, अरे सही बात है, मैं कब कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझको गलत दिखाना है तो एक कंडीशन मुझे गलत दिखानी पड़ी, वो मैंने दिखा दी। देखो मान लो फोर ले लो, फिर क्या जब ये फोर बड़ा है तो फोर छोटा कैसे हो जाएगा थ्री से, डियर प्रीति बात समझ आ रही ना, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, गुड। अब किसके लिए देखते हम, यह हम लिखें गिवन रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक, चमका। अब देखें भाई कौन सा ट्रांजिटिव, तिवारी कोई डाउट है क्या, तो एक्सप्रेशन अच्छे दो ना, चल यार। अब जो इसमें क्या होता है, इसमें क्या देखो जरा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये दो कंडीशन गिवन होती है, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा दिया गया है और फिर अगर हमने दिखा दिया ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, अगर ये दिखा दिया कैसे भी तो वो ट्रांजिटिव है, चमका। चलो अच्छा अब सुनो, अब सुनो, देखे नीचे दिखाई दे रहा है बच्चियों को, दिखाई दे रही है, अब सुनो। चलो अगर ए कॉमा बी, ये दो चीजें गिवन होती हैं, ए कॉमा बी गिवन है तो इसका मतलब यार हमको ये गिवन है, और बी कॉमा सी है तो इसका मतलब हमको ये गिवन है, बात समझ आ रही है। अब सुनो, ए छोटा है बी से, समझना ध्यान से, और बी छोटा है सी से, तो क्या ए सी से छोटा नहीं होगा, अरे
बुद्धि लगाओ यार, ए छोटा है बी से, मतलब बी बड़ा है, लेकिन बी सी से छोटा, मतलब सी सबसे बड़ा है, तो क्या ये कंडीशन नहीं हो गई? और ये कंडीशन होने का मतलब क्या है पढ़े लिखे आदमी यार, ये कंडीशन होने का मतलब क्या है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और अगर हाँ क्या सी नहीं है, कर दी वही वाली बात, 74 नंबर वाली बात, ये तो है ना, हमेशा आपको ए और बी ही मिलेंगे। ये कह रहा है कि ये फॉर्मूला अगर ये है तो अगर आपसे मैं पूछूं सी कॉमा डी क्या होगा, तो वो ये हो जाएगा, ए किससे रिप्लेस होगा, सी से, बी किससे होगा, डी से, चमका। अब ए डी सी इसलिए आते हैं क्योंकि ट्रांजिटिव में दो कंडीशन तो गिवन होती हैं, तीसरी हम चेक करते हैं, अगर तीसरी मिल जाती है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं मेरे भाई। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ आ रही है, पक्की बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्यूब वाला आ गया, तो अब इसमें देखते हैं, वही कह रहे हैं चेक करो, इसमें प्रूफ नहीं करना, चेक करो कि क्या क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, अगर तीनों होते हैं तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, पता होगा आपको ये। चलिए लेकिन एक चीज, अब इसमें ये बोल रहा है मल्होत्रा चेक करो केवल, प्रूफ नहीं करना, तो पढ़े लिखे आदमी हो भाई आप लोग, होगी नहीं हो, डाउट है इसमें, डाउट है, एक कंडीशन ऐसी दिखा दो तीनों में जो कि फॉल्स हो जाए, तो हम कह देंगे कि हमारा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव या ट्रांस जो भी कुछ है। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन, यहां पे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, ये चीज तो लिख के आ जाना है, इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर ऐसा भी हो जाए तो हम कह देंगे कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब एक बात सुनना, क्या ए को हम लोग 1/3 लेट कर सकते हैं, क्यों नहीं लेट कर सकते, 1/3 रियल नंबर है, चलो भैया रिलेशन में रखो, 1/3 1/3 का होल क्यूब, इम्पॉसिबल भैया, जिसका क्यूब होगा तो वो तो छोटा ही होगा, ये तो और छोटा हो गया, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आपने अपॉन में ही क्यों लिया, अगर आप अपॉन में नहीं लेते तो ये कंडीशन ट्रू होती रहती, हमको तो एक फॉल्स दिखानी, एक फॉल्स कंडीशन दिखानी है, मैं कह तो रहा हूं हमको एक फॉल्स कंडीशन दिखानी है, अगर आप ये लेते मान लो 2, तो पक्की बात है ये तो ट्रू हो जाती, क्योंकि 2 का क्यूब तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अपॉन में लिया है, अपॉन में क्यूब लोगे और छोटा होगा वो, यस और नो, माइनस में ले लो, माइनस में ले लो, आपकी श्रद्धा है भाई, हमारा तो टाइगर श्रॉफ है, तो आप तो सुनो, तो अरे सुनो यार, तो आप कैसे भी कर लो एक कंडीशन दिखानी केवल आपको, एक कंडीशन, ठीक है, ऐसे ही भैया इसके लिए आ जाओ फॉर सिमेट्रिक, क्या अच्छा तुम लोग बोले श्रद्धा भाई है, नहीं श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, इसमें मलो तो हंसने वाली क्या बात है, बस वही सोच रही हमेशा, चलो चलो बस बस बस, मुझे मैं जानता हूं, अरे हाँ हाँ मुझे पता है कि इस टॉपिक पे आपको आप, अरे आप लोग कितना बोल सकते हो, चलो देखो आप सुनो, अगर ए कॉमा बी है पहले से गिवन है, अगर ये और मिल जाए तो हम कह देंगे कि कंडीशन ट्रू है। अब ए कॉमा बी में सपोज मैंने 1.2 ले लिया, कुछ भी ले लिया ट्रेंड, आप कहेंगे सर 1.2 ही है, या 2.3 ले लो भाई, तो ये बिलोंग करता है आर में, अगर ये है गिवन है तो ये कंडीशन हमने ट्रू लिया, तो देखो कंडीशन ट्रू है भैया, पक्की बात है कंडीशन ट्रू है, अगर 2.1 होगा इसमें तो देखो क्या होगा, अब ए किससे रिप्लेस होगा 2 से, और भैया बी किससे रिप्लेस होगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल नहीं है, 1 का क्यूब तो 1 होगा, यस और नो, तो ये कंडीशन 1.2 तो हमने लेट किया था आर में है, तो लेकिन 2.1 तो है ही नहीं इसमें, तो भैया सिमेट्रिक कहां से हो गया भाई, सिमेट्रिक कहां से हो गया, बात समझ आई ना, कि सर ये 1.2 आप क्या लेते यार, 1 और 2 क्या, क्योंकि यहां पे आर जो बोला गया रियल नंबर बोला गया, इसमें 1 भी होगा 2 भी होगा 1.1 भी होंगे 1.001 इनफाइनाइट नंबर्स होंगे इसमें, ठीक है, तो इन्हीं में से हमने एक बना दिया ऑर्डर्ड पेयर, और ऐसा बनाया कि वो ना हो पाए, ठीक है, क्लियर, हाँ बताओ, क्वेश्चन ना हो पाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इन बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा, आप भी सुन लो, कि ये ना हो पाए, फोड़ दूंगा तुझे मैं, कि ये ना हो पाए, कह रहे हैं कि ये ना हो पाए, ओहो ओहो चेक करो, हाँ तो आप, हाँ आपके दिमाग में ये कि सर आप ये क्यों पीछे पड़ गए, ये चीज ना हो पाए, मैथ्स में ना, मैथ्स में अगर आपने एक फॉर्मूला बना दिया मैथ्स में, और वो यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर आपने एक भी ऐसी कंडीशन रख दी कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो वो फॉर्मूला गलत है, जैसे मैं आपको बताऊं, आज तक कोई भी बंदा 0/0 का आंसर क्यों नहीं बता पाया, फिर
क्यों इसलिए नहीं बता, अगर इसका ऐसा नहीं, इसका आंसर नहीं, इसका आंसर पॉसिबल है, निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसका आंसर आएगा मैथ्स के जितने और रूल बने हैं वो सब बेकार हो जाएंगे हमारे, फिर लोग 1 = 2 प्रूफ कर देंगे, 4 = 10 प्रूफ कर देंगे, मजे लेंगे मैथ्स के साथ। क्लियर है, क्लियर है। तो अब हमको ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है या है, हमको को नहीं पता। एक कंडीशन मैंने ऐसी दिखा दी कि ये सिमेट्रिक में फॉलो नहीं हो रहा, तो ये चाहे 1,00,000 कंडीशन आपने रखी और ट्रू हो गया, एक कंडीशन ऐसी दिखा दी कि फॉल्स है, तो इसको पूरे को फॉल्स कर देंगे हम लोग। बात समझ आ रही है? किसी के साथ आपने 100 अच्छे काम करे, मान लीजिए एक बुरा काम कर दिया, तो क्या होगा, सब पीछे के बैनिश हो गए, गायब हो गए, यस और नो, ऐसे तो होता है। तो इसको एकदम घरेलू झगड़े की तरीके से सॉल्व करो इसको, ये हाँ ये सोचो ये घरेलू झगड़ा चल रहा भाई हमारा, अब हमें ये दिखाना है कि ये आदमी गलत है, तो एक हम इसकी कमी दिखा देंगे, कैसे भी एक कमी हम दिखा दें कि ये औरत अपनी बहू से साथ दे बहुत ज्यादा इसका है, एक दिखा दो यार बस, एक हाँ एक दिखा दो, एंजॉय द लाइफ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप लोग एंजॉय द लाइफ विदाउट वाइफ, कहता क्यों मैं, आप लोग इसको हसीन लेते हो, ऑसम वो पीछे कर अबेसम तो देखो अच्छा अब ए अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, सुनो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी इसमें, तो अगर ये दो चीजें गिवन होती हैं, अगर ए कॉमा सी इसमें मिल जाए तो हम क्या कह देंगे, ये ट्रांजिटिव। चलो अच्छा एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हाँ ये क्वेश्चन बनता है अभी मेरे दिमाग में कि सर आपने क्वेश्चन किया, आपको ये कैसे पता लग गया कि ये नहीं होंगे, तो आपने एक कंडीशन दिखा दी। चलो इसे एकदम जेन्युइन तरीके से सॉल्व करते जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। चलो कैसे, ए कॉमा बी है बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हमारे पास ये चीज गिवन है, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, बी कॉमा सी भी गिवन लेते हैं इसमें, तो हमारा ये हो गया दिस, यस और नो, पक्की बात है। अब हमको चेक करना ए कॉमा सी के लिए, अगर ए कॉमा सी बिलोंग करेगा तो पक्की बात है ये होना चाहिए, कायदे में हमको यही तो प्रूफ करना है। चमका अब सुनो यार, ये सी क्यूब है ये बी है, यहां पे क्या बी क्यूब, अगर मैं इस तरफ भी कर दूं क्यूब और इस तरफ भी कर दूं क्यूब, ये क्यूब हो गया और ये 9 हो गया, तो क्या मैं बी क्यूब की जगह ए लिख सकता हूं, क्योंकि इसके बराबर भी तो है, यस और नो। तो ए किससे हो गया, सी की पावर 9 से, जबकि दिखाना क्या था, सी की पावर 3 से, मेरे डियर मेरे भाई, यस और नो। तो इसका मतलब हम यहां पे लिख देंगे, हमको चाहिए क्या था, हमको ये चाहिए था, और हमने प्रूफ कर क्या दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, यस और नो, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। चमका मत एग्जांपल दो, मत एग्जांपल दो, कोई जरूरी नहीं है, ये जनरल हो गया हर किसी के लिए, यस और नो, यस और नो, क्लियर है ना, अदरवाइज टीचर बोलते हैं 3 नंबर याद कर लो भैया, ये इन दो में कंडीशन ट्रू होगी, इन दो में होगी, लेकिन इसमें फॉल्स हो जाएगी, दिखा दो, ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ नंबर मिल जाएंगे, सही बात है नंबर मिल जाएंगे, बट क्यों रटो, ऐसे कर दो, देर आर लॉट ऑफ मेथड्स, यस और नो, हाँ जब मैंने देखा तब मुंडी ला रहे। चलो करो हटाओ से, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों वाला है, क्या कह रहे हैं, ये भैया सेट है ए 1 2 3, इस सेट को लेकर एक रिलेशन बना दिया दिस, तो बताओ क्या है ये, चेक करो। तो देखो यार पक्की बात है, जब 1 इसमें है, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, तो 1, 1 होना चाहिए था आर में, क्या है, क्या है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, सेट कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। चलिए अच्छा अब देखो, अब 1, 2 इसमें है, मैंने कहा 1, 2 है इसमें, अगर 2, 1 भी मिल जाए, भैया मिल गया तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, पक्की बात है। अब आप सिमेट्रिकली ऐसा मत सोचना कि सर आपने रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, सिमेट्रिक में क्यों नहीं किया, भैया सिमेट्रिक में 2 आते हैं एक साथ, बताया था ना मैंने ये गिवन होगा, ये इसको चेक करो। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव में 1, 2 पे खत्म हो रहा है और देखो 2 से स्टार्ट भी हो रहा है, ये तो गिवन है, क्या 1, 1 है इसमें, क्या 1, 1 है रिलेशन में, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है मेरे भाई, पक्की बात है, केवल क्या है, सिमेट्रिक, आई बात समझे। चलो ये बच्चों बात है, ये जो क्वेश्चन आया, अब देखो ये बड़ा अच्छा है, कह रहे हैं ये प्रूफ करो ये इक्विवेलेंस है, मतलब सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, एक चीज समझना भाई इस क्वेश्चन में, ये जो पूरा चैप्टर है इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो ना, वैसे आप लोग हंसते हो ठीक है, बजा देखो मैथ्स में एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है ना, फिर तुम ऐसे लेके बैठे हो सकल, हम तुम्हें देखें तुम हमें देखो, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है ना, एक 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 जो फोबिया है वो बाहर से आपके अंदर से निकल जाए, बाहर आ जाए वो, और ऐसा कब होगा मैं बताऊँ, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे, बेसिक से
ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया इस बार जो एक रिलेशन है अलग टाइप का ही है, मतलब ये एक स्कूल की कोई लाइब्रेरी है और ये रिलेशन दिखा रहा है आर, मतलब इसके अंदर सारी बुक्स हैं। अब कोई भी एक हमारे पास लाइब्रेरी है, समझते चलेंगे स्टार्टिंग से, ये भैया इसके अंदर इस तरीके से ये बुक्स पड़ी हुई है इस तरीके, ठीक है डियर, ये क्लियर है। अच्छा अब कह रहे हैं आर एक रियल नंबर है या कैसा है, इन अ सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, एक कॉलेज में लाइब्रेरी है उनमें जितनी भी बुक्स हैं उसका एक सेट बना दिया, उसको आर से इंडिकेट कर दिया है, क्लियर है, या किसी से भी इंडिकेट कर दिया, ऐसा इन्होंने शायद बोला नहीं है। अब उन बुक के बीच में रिलेशन क्या है, क्या है रिलेशन, कि अगर आपने दो बुक सिलेक्ट की एक्स और वाई, ऐसी सिलेक्ट की है कि उनके पेज हमेशा बराबर होंगे, उनके पेज हमेशा एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर, ठीक है ना, सेम नंबर पेजेस है कि सेम नंबर है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है मैंने लिखा नहीं है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब दो बुक सिलेक्ट की आपने ये और ये, अब ध्यान से सुनना, वैसे लिखने का तरीका बता दूंगा बट कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये बुक वन है भाई, ये बुक टू है, हमने ऐसी सिलेक्ट की है कि इनके पेज आपस में क्या है इक्वल है, मानना भैया इसमें 100 पेज है तो इसमें भी, अब समझते चलेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, कोई भी एक बुक हमने सिलेक्ट कर ली, कोई भी एक बुक, समझते चलना, मान लो मैंने ये बुक वन सिलेक्ट कर ली और ये सेट ए में है, सेट ए में है, तो अगर हम ये दिखा दें कि बुक, चलो इसका नाम बी दे देते हैं बुक का नाम, तो बी कॉमा बी उस रिलेशन में होनी चाहिए, यस और नो, और भैया सही बात है, बी कॉमा बी का मतलब क्या हुआ, बी, अच्छा देखो एक्स और वाई है तो बी कॉमा बी क्या हो जाएगा, बी एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये बात ट्रू है कि फॉल्स बताओ, एक ही बुक है, उस एक ही बुक है, ऐसी दो बुक लेकर आ गए तो भैया उनमें पेज बराबर नहीं होंगे, नहीं चमका, नहीं चमका, सुनो ये देखो रिफ्लेक्सिव को समझो, कोई भी एक बुक ली फिर दूसरी ही सेम होनी चाहिए ना इसमें, तो एक बुक अगर आप मान लो मैथ के एनसीईआरटी क्लास 12th की लेकर आ गए और दूसरी भी लेकर आ गए तो नंबर ऑफ पेज बराबर नहीं होंगे, तो वो रिफ्लेक्स, हाँ ऐसा मत करना, एक नहीं लेके आ गए, किसी से एक सेकंड हैंड लेकर आ गए तो पीछे का आंसर सीट गायब है या पीछे बुक गायब, तो कहोगे नहीं दोनों एक जैसी कंडीशन है तो पक्की बात है ये रिफ्लेक्सिव होगा, अभी समझा रहा हूं लिखने का तरीका बताऊंगा। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है, मैंने एक बुक बी ली और एक बुक सी ली, मतलब ये पहले से ही उसमें है, समझना बात को, जानते ये कंडीशन क्या होती है, गिवन, ये गिवन है, मतलब बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो यार पढ़े लिखे आदमी हो, सी कॉमा बी सेम नहीं होगा, एक बुक ए है एक बुक बी है, इनमें पेज आपस में बराबर है, अब बी को इस तरफ रख दिया ए को इस तरफ रख दिया, क्या अभी पेज बराबर नहीं होंगे, ठीक भैया कुछ जादू हो गया, बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है मेरे भाई, यस और नो, दो बुक है उनमें पेज बराबर ऐसा गिवन है, फिर उनको आगे पीछे हमने रखा तो पेज में क्या कमी हो गई, पेज तो वो ही रहेंगे, पक्की बात है ना, सेम नंबर ऑफ पेज। अब चलो, अब तीन बुक ले ली मैंने, एक बुक मैंने ली बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और सी, और एक मैंने ले ली मान लो सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, रीड करना सी को, ये गिवन होता है, गिवन है मतलब बी और सी ऐसी बुक है जिनमें इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हैं, सी और डी ऐसी बुक है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो पढ़े लिखे आदमी बी और डी में इक्वल नंबर पेजेस ऑफ नहीं होंगे, मान लो बी में 100 हैं तो सी में भी 100 होंगे, कह रहे सी और डी में भी बराबर हैं तो इसमें भी 100 होंगे, तो क्या ये बराबर नहीं होंगे, तो कहने का मतलब है जो ये रिलेशन है ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, कि तीनों इसमें आ रहे, बात समझ आ रही है, अभी समझाया है केवल लिखने का तरीका, अभी बता रहा हूं, पहले समझो, हमारा 90% काम ये रहता है समझने का, ना कि रट्टा फिक्सेशन या फिर नंबर का, समझो पहले ये लाइब्रेरी है, यहां से हम वैसी बुक्स लेके आए जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब होंगे, बात समझ आई, पक्की बात है। अब लिखने का तरीका हाथ दे दो, जल्दी से बता दो लिखने का तरीका, हाँ अभी घंटी कहाँ बजी जो छुट्टी हो गई, ये पता है कैसे लोग हैं ये, अभी बताता हूँ चौहान को, अनुराग एक शादी में, शादी का कार्ड आया तो उस कार्ड पे लिखा था कि 12 और टाइमिंग लिखा था 8 PM, मैंने लगा 8 PM दारू मिलेगी, चले गए वहाँ पे, ऐसे लोग हैं, फिर इनको समझाया मैंने कि ऐसा नहीं होता है, चलो बस बस बस, ये पता जो बात मैंने लिखी ये हमारे गांव में हुई थी ऐसे, इसलिए इसलिए मैंने इन पे छोड़ दी, हाँ चलो फॉर रिफ्लेक्स, अब सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे प्लीज प्लीज, इसकी क्या कंडीशन होती, मैंने कहा मान लो बुक है कोई वन, वो बिलोंग्स करती सेट ए में, पक्की बात है,
बाकी इतनी बड़ा नाम नहीं लेंगे, चलो इसका नाम हम बी ही लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं बी वन मान लो, ठीक है। तो पक्की बात है कि बी वन बिलोंग करेगा रिलेशन, और सही बात है कि अब यहाँ पे पता है क्या आप लिखेंगे, जब एक्स वाई है तो रिलेशन ये है, तो बी वन में रिलेशन क्या होगा, बी वन हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यस और नो, इट इज ट्रू, यस और नो, पक्की बात है। फॉर सिमेट्रिक क्या होता है, B1, B2 अगर उस रिलेशन में है और उस रिलेशन में अगर ये कंडीशन हो गई तो हम क्या कह देंगे कि वो सिमेट्रिक है। अच्छा ये चीज गिवन है, इसका मतलब क्या है, B1 and B2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो पक्की बात है भैया B2 and B1 भी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यस और नो, ऐसे ट्रांजिटिव वाला कर लेंगे। थ्योरेटिक मैंने कहा ना थ्योरी पार्ट है, लेकिन समझ में आना चाहिए, बाकी आपकी इंग्लिश जो भी थोड़ी बहुत आपको आती है ग्रामर वगैरह उसका यूज करो और लिख के आ जाओ, क्लियर है। तो चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।